ऑपरेशन के बाद, पिस्तौला डालने के बाद मेरा हैंड बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गया था, और उसके बाद मुझे डाइटिशियन ने आके सब कुछ, जो खाना है जो नहीं खाना है सब कुछ बता के गई मुझे। और मेरी मॉम ने मुझे बहुत ज़्यादा ख्याल रखा, मुझे जो डॉक्टर्स ने कहा वही मुझे देती थी। मुझे डॉक्टर को बिना सजेशन के कुछ नहीं खिलाते थे, मुझे बहुत ज़्यादा ख्याल रखा मुझे। और जब डिस्चार्ज होके घर वापस आए उसके बाद, तब मुझे तब पता चला कि मुझे किडनी डिसीज़ है, मुझे किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ रही है। तब मैं बहुत ज़्यादा निराश हो रही थी। मेरे कॉलेज के पढ़ने के दिन थे, लेकिन मुझे उसी दिनों में मुझे इतनी बड़ी बीमारी हो गई, मैं कुछ आगे नहीं कर सकती। मैं मुझे लगता था कि मैं जब मैं डायलिसिस रूम में जब मैं लेटी रहती थी डायलिसिस के लिए, तब मुझे लगता था कि मैं इन सब लोगों से मैं सबसे अलग हूँ, सबसे अलग। मेरी दुनिया ही अलग है, जो डायलिसिस रूम में है उन सब की दुनिया अलग है, जो दूसरे लोग हैं उनकी दुनिया अलग है, ऐसे ही लगता था मुझे। कुछ भी खाना अलाउड नहीं था, कुछ भी पीना अलाउड नहीं था, पानी सिर्फ और सिर्फ हाफ लीटर या हाफ लीटर से ज़्यादा, उतना ही, ज़्यादा कुछ भी नहीं। इतना तकलीफ़ होती थी। और फिर डिस्चार्ज होने के बाद घर वापस गए, और फिर बीच में मुझे तबीयत ख़राब होने लगी, बहुत ज़्यादा फीवर आने लगी, बहुत ज़्यादा फीवर, इतना फीवर कि मैं बता नहीं सकती, कि मैं उठना मुश्किल हो गया था मुझे। और वॉमिटिंग होने लगी, वॉमिटिंग में मुझे थोड़ा सा ब्लड आने लगा, तो इसलिए डॉक्टर ने मुझे फिर से एडमिट कर लिया गया और एंडोस्कोपी के लिए सजेशन दे दी मुझे। फिर मुझे एंडोस्कोपी किया मुझे। एंडोस्कोपी में बहुत ज़्यादा पेन तो नहीं होता, लेकिन अजीब सा जो 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 मुंह के अंदर से जो पाइप डालते हैं वो वायर, मतलब जो केबल की वायर होती है उसी तरह होती है वो। हमारे अंदर से जो भी कुछ होता है उसी कैमरे की मदद से डॉक्टर्स देखते हैं वो। सिर्फ एक ही मिनट लगता है, लेकिन अजीब सा फील होता है उसमें, लेकिन दर्द नहीं होता कुछ भी। वो भी किया गया, लेकिन उसमें सब कुछ नॉर्मल आया। उसमें डॉक्टर ने कुछ भी नहीं, सब नॉर्मल कह के एक गैस्ट्रिक की टैबलेट लिख के दे दी। सबसे पहले कहा था कि मुझे हार्ट का प्रॉब्लम भी हो सकता है, क्योंकि मेरे हार्ट बीट फास्ट है, इसलिए डॉक्टर गुरुदेव सर ने मुझे किडनी के साथ साथ हार्ट के सारे टेस्ट भी करवा दिए मेरे। और हार्ट के टेस्ट में जो ECG होता है, नॉर्मल ऊपर से टेस्ट करते हैं, वो नहीं होता है। मेरे इस मुँह के अंदर से कुछ डाला गया, बहुत इतना मोटा था वो, बहुत ज़्यादा मोटा। मुझे अभी भी याद है, सारे टेस्ट करवा दिया मैंने, कुछ भी फील नहीं हुआ, लेकिन वो हार्ट टेस्ट में मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, मुझे बहुत ही ज़्यादा, जो मुँह के अंदर से यहाँ तक डाला जाता है, इतना मोटा था वो। उसी से वो स्कैनिंग रूम में लेके गए मुझे, वो टेस्ट करवा दिया। फिर डॉक्टर ने आके कहा कि हार्ट प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, सब नॉर्मल है, सिर्फ किडनी प्रॉब्लम है। किडनी प्रॉब्लम में जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती थी, उसी की वजह से हार्ट बीट्स थोड़ा फास्ट हो गए थे, इसलिए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरी फैमिली वाले ने बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, लेकिन फिर भी हम, मुसीबत तो टली नहीं थी। किडनी प्रॉब्लम थी मुझे, और किडनी ट्रांसप्लांट की भी ज़रूरत थी। और फिर डॉक्टर ने कहा कि, मेरी फैमिली वालों ने पूछा कि क्या किडनीज ठीक नहीं हो सकती, तो डॉक्टर ने कहा कि सिर्फ दो दिन अगर आप जल्दी आते तो कुछ किया जा सकता, लेकिन 98% किडनी ख़राब हो चुकी है, कुछ भी नहीं किया जा सकता। फिर भी 6 मंथ्स का टाइम देते हैं, अगर कुछ हो गया तो हो सकता है, या फिर किडनी ट्रांसप्लांट के लिए रेडी हो जाइए, किडनी कौन देगा ये आप तय कर लीजिए, ढूंढ लीजिए आप किडनी करके डॉक्टर ने कह दिया था। लेकिन मेरी उम्र बहुत ज़्यादा छोटी थी, जब मैं डायलिसिस रूम में रहती थी, तब डॉक्टर्स ने और नर्सेस ने भी बहुत साथ दिया मेरा, डॉक्टर ने भी बहुत साथ दिया मेरा, इतना साथ दिया कि डॉक्टर गुरुदेव सर बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। डॉक्टर गुरुदेव सर ने कह दिया था कि किडनीज ठीक नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी मेरी फैमिली वालों ने हार नहीं माना। मेरी फैमिली वालों ने मुझे बेंगलोर लेके गए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मणिपाल हॉस्पिटल एंड शिफा हॉस्पिटल और एक दो तीन हॉस्पिटल थे, वहाँ पे लेके गए। सब, हर एक इंसान तो सेकेंड ओपिनियन लेता ही है, तो वही कोई भी बीमारी हो सेकेंड ओपिनियन तो लेनी ही चाहिए, इसलिए मेरे घर वालों ने मुझे बेंगलोर लेके गए। वहीं पे जाके हर एक डॉक्टर को दिखाया मेरी रिपोर्ट्स, तो वही वहाँ पे भी यही जवाब दिया कि जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो बेस्ट ट्रीटमेंट है, और किडनी 98% ख़राब हो चुकी है। और वहाँ पे बताया कि इसका ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ किडनी ट्रांसप्लांट से ही ठीक हो सकता है।
और डॉक्टर गुरुदेव सर ने भी कहा कि इतनी छोटी उम्र है, अगर आप लेट मत कीजिए, क्योंकि अंदर के जो बॉडीज़ के जो पार्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगे। डायलिसिस करते करते इंसान के बॉडी के पार्ट्स वीक हो ही जाते हैं, इसलिए छोटी सी उम्र है, उम्र बर्बाद मत कीजिए करके उन्होंने भी बहुत ज़्यादा समझाया। लेकिन मेरे घर में किडनी किसी की भी मैच ही नहीं कर रही थी किसी की भी। मेरे फादर के जो फ्रेंड थे उन्होंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में बताया, और इसलिए मेरी फैमिली वालों ने सोचा कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी एक बार करवा के देख लेते हैं, शायद उसी में ठीक हो जाए। उन्हें बहुत ज़्यादा भरोसा था क्योंकि मेरी उम्र बहुत ज़्यादा कम थी, इसलिए उन्हें बहुत ज़्यादा डर था मेरे लिए, इसलिए हमने वहाँ पे भी गए। मुझे नाम तो याद नहीं है, लेकिन वो 200 किलोमीटर था, बहुत ज़्यादा दूर था यहाँ से, और मेरे फादर के जो फ्रेंड थे उन्होंने ही वहाँ पे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए वहाँ पे ले गए। जाके उन्हें दिखाया, बहुत सारे लोग थे वहाँ पे, हर एक बीमारी का ट्रीटमेंट चलता है वहाँ पे। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए हम लोग वहाँ पे गए और उन्हें दिखाया, और उन्होंने कहा कि ये जो बायोप्सी होता है वो बायोप्सी मत करवाइए, बायोप्सी करने से किडनी बहुत कमज़ोर हो जाती है, इसलिए बायोप्सी मत करवाइए, और ट्रांसप्लांट तो बिल्कुल भी मत करवाइए, ऐसे कह दिया उन्होंने। और जो डायलिसिस चल रहा था मेरा, और डायलिसिस भी रोकने के लिए कहा उन्होंने, उन्होंने आयुर्वेदिक के सारी दवाइयाँ दे दी और उन्होंने डायलिसिस रोकने के लिए कहा। मैं वीकली ट्राइस करवाती थी डायलिसिस, और उन्होंने कहा कि वीकली ट्राइस करवा दो और नेक्स्ट उसके बाद वंस, और उसके बाद बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए डायलिसिस। ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे डायलिसिस के बिना तो मुझे सांस ऊपर नीचे आती थी, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती थी मुझे, डायलिसिस तो रोक नहीं सकते थे हम लोग। और उन्होंने खाने के लिए डाइट फॉलो करने के लिए कहा था, उसमें हम कुछ भी नहीं खा सकते, ना टमाटर यूज़ कर सकते हैं और ना प्याज, कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते हम। वो डाइट फॉलो करना मेरे लिए इतना ज़्यादा मुश्किल था, इतना ज़्यादा मुश्किल था। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए मुझे तो डर होने लगा था, मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल था मेरे लिए डाइट फॉलो कर, फिर भी मैंने फॉलो किया। और जो हॉर्स क्रैम होता है उसी का पानी बना के उसी में राइस खाती थी मैं, थोड़ा थोड़ा, कुछ भी नहीं खाती थी मैं, और ना कोकोनट यूज़ कर सकते हैं हम, ना मिर्ची, कुछ भी नहीं, पानी तो सिर्फ और सिर्फ 1/2 लीटर ही पी सकते हैं हम, और ज़्यादा नहीं, अगर ज़्यादा पियेंगे तो ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने लगती है। और हम लोग वहाँ से आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेके घर वापस आए, और मैंने 20-25 दिन तो मैंने कंटिन्यू किया, उन्होंने जैसा बताया था बिल्कुल वैसे ही किया, मेरे घर वालों ने बहुत साथ दिया मेरा, बिल्कुल वैसे ही किया जो खाने के लिए बताया था, वो सिर्फ वही देते थे मेरे घर वाले मुझे, और कुछ नहीं देते थे मुझे, उसी तरह मैंने सब कुछ फॉलो किया। और फिर मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक होने लगी, बहुत ज़्यादा, मेरा वेट 44 हो गया था मेरा वेट, और मेरी बॉडी तो बहुत ज़्यादा वीकनेस होने लगी थी, खड़ नहीं पा रही थी मैं, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने लगी मुझे, मुझे डायलिसिस की ज़रूरत पड़ गई मुझे। डायलिसिस तो हमने रोका नहीं था, कंटिन्यू किया था, लेकिन फिर भी उस जो आयुर्वेदिक टैबलेट्स मुझे दिए थे उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, बहुत ज़्यादा मेरी बॉडी बहुत वीक होने लगी। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लगे, बहुत ज़्यादा हेयरफॉल, इतना हेयरफॉल होने लगा था, बहुत ज़्यादा, और सारे बाल इतने सारे जमा हो गए थे मेरे बाल, बहुत ज़्यादा, और मुझे बहुत ज़्यादा डर होने लगा था। आप सबको तो पता है लड़कियों के लिए तो ये सब कुछ झेलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक होने लगी, इसलिए मेरी फैमिली वालों ने सोचा कि ये जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है उसे रोक देते हैं, क्योंकि मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक होने लगी थी, बहुत ज़्यादा, मेरा वेट 44 हो गया था, और मुझे डायलिसिस की ज़रूरत पड़ गई मुझे, वीकली थ्राइस करवाती थी फिर भी मुझे डायलिसिस की ज़रूरत पड़ गई मुझे, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि वो जो ट्रीटमेंट चल रहा है वही चलने देते हैं, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बंद कर देते हैं, इसलिए मेरी फैमिली वालों ने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बंद कर दिया। अगर बॉडी में ताकत होगी तो ही इस बीमारी से लड़ सकती हूँ ना, इसलिए मेरी फैमिली ने फैसला किया कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट यहीं पे ख़त्म कर देते हैं, और जो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है वही चलने देते हैं, क्योंकि मेरी हालत उनसे देखा नहीं जा रहा था, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा डाइटिंग फॉलो करने के लिए कह दिया था। और डायलिसिस करवाते करवाते 4 मंथ्स हो गए थे, और डॉक्टर ने कहा कि ट्रांसप्लांट के बारे में सोच लीजिए, क्योंकि बॉडी के पार्ट्स वीक हो जाएंगे डायलिसिस करवाते करवाते, इसलिए हम लोगों ने सोचना शुरू किया
क्योंकि किडनी किसी की भी मैच ही नहीं कर रही थी घर में। मेरी मदर ने तो देने के लिए तैयार थी, लेकिन मेरी मदर की किडनी मुझसे मैच नहीं कर रही थी। मेरी मदर का ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव था और मेरा ए पॉजिटिव। अगर मेरा ए बी पॉजिटिव हो कि उनका ए पॉजिटिव होता तो मैच कर सकती थी, लेकिन मेरा ए पॉजिटिव था, किसी से भी किडनी मैच ही नहीं कर रही थी। लेकिन मेरी किडनी मेरे फादर से मैच कर रही थी, लेकिन मेरे फादर का एंजियोग्राम हो गया था, लेकिन उनकी किडनी नहीं ले सकते थे, हम किडनी ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। लेकिन मेरे फादर तो बिल्कुल रेडी हो गए थे मुझे देने के लिए, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है, उनकी हेल्थ ही ठीक होना चाहिए फर्स्ट, बाद मेरी। फिर फैमिली में किसी की भी मैच नहीं कर रही थी, फिर ऐसा क्या हुआ कि मैं आज आपके सामने हूँ, मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, किसने मुझे किडनी दी, कौन है वो, मेरी हर एक स्टोरी आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरी किडनी डिसीज़ के बाद मेरे ट्रांसप्लांट कैसे हुआ, कितना स्ट्रगल किया हम लोगों ने, और उसके बाद मेरी शादी हुई है या नहीं, कितने साल हुआ मेरी किडनी डिसीज़ को, मेरे ट्रांसप्लांट को, और आज मेरी हेल्थ कैसी है, ये सब कुछ आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप सबको इंटरेस्टेड है मेरी इस वीडियो में, प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और मेरी इस वीडियो को हर एक लोगों तक पहुँचाइए प्लीज़, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए प्लीज़। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मुझे किडनी किसने डोनेट की है, और आज मेरी हेल्थ कैसी है, मेरी लाइफ स्टोरी सब कुछ शेयर करना चाहूंगी। ये वीडियो मैं आज मैं यही ख़त्म करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।